अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायलिसिस को दो तरह से कर सकते हैं हम, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। डायलिसिस के डिसएडवांटेज है कि ये प्रोसेस जो है इसे कुछ दिनों में दोहराया जाता है, जिस वजह से पेशेंट्स और जो अटेंडेंस हैं दोनों को ही ये प्रोसेस नाखुशगवार लगता है। इसलिए किडनी फेलर का जो आखिरी मरहला है उसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट्स की डैमेज किडनी को डोनर की हेल्थी किडनी से रिप्लेस किया जाता है। ये डोनर डिसीज भी हो सकता है, लिविंग डिसीज कहते हैं, मुर्दा शख्स भी हो सकता है और जिंदा भी, रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव ना भी हो तो भी जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और जो पेशेंट है उसके टिश्यू प्रोटीन्स को मैच किया जाता है। जब टिश्यू प्रोटीन मैच हो जाती हैं तो किडनी को पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी को पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, पेशेंट के और उस किडनी को जो ट्रांसप्लांट किया उसको पेशेंट के ब्लड के साथ और यूनी सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। मैक्सिमम लाइफ टाइम डोनेटेड किडनी का 10 to 15 years तक है। अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं, ये किडनी जो ट्रांसप्लांट की अगर ये नाकाम हो जाती है तो पेशेंट को दूसरी किडनी भी दी जाती है। उस दौरान पेशेंट का ब्लड जो है उसे डायलिसिस के प्रोसेस से साफ किया जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अंदर, जैसे रिजेक्शन, इन्फेक्शंस, इम्बैलेंसेस, बॉडी सॉल्ट, बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उनका तोजन बरकरार नहीं रहता, जिस वजह से बोन प्रॉब्लम्स और अल्सर्स की जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।